हम ब्रीफ कर रही हूँ। आज मैं मोटा की साइड से दोबारा गई कूड़े के पहाड़ पर चढ़ के जिन्हें देखा कि वो मशीन चल रही है जो कूड़ा निस्तारण करने वाली जिरोन को हमने कंपनी को दी हुई है। जिरोन का जो मालिक है वो मेरे पास 3 दिन पहले घर आया। उसने मुझसे ये कहा कि मैंने 3 महीने से कोई मशीन नहीं चलाई। तो मैंने कहा फिर तुम्हें टेंडर क्यों दिया गया था, तुमने 3 महीने से मशीन नहीं चलाई। मेरा गाजीपुर बन गया दूसरा, वहाँ पर इतना ऊँचा पहाड़ हो गया तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हें देने का। फिर मुझे पता चला कि वो खोड़ा का कूड़ा भी डालता है, ये मैं पिछली बात बता रही हूँ। तो उसने ये कहा कि मेरी मर्जी मेरी जगह, मैं किसी का भी डालूँ। ये स्थिति थी उसकी। मैंने कहा अच्छा मर्जी तो मैं बताऊँगी बाद में। मैं आज चेक करने के लिए गई दोबारा से। जब मैं चेक करने गई तो एक साइड बड़ी सी लेके उस पर मुझे पता कूड़ा चल रहा है, डल रहा है। मुझे किसी शादी में गई तो एक ने कंप्लेन करी थी, एक 20 फुट 25 फुट खोद के उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। मैंने कहा ये तो जमीन जहरीली हो जाएगी, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। कैसा कूड़ा हम डाल रहे हैं, हमारी मोटर साइड पे है तो उस पर क्या करा इन्होंने बचाव के लिए। मैं चेक करने के लिए गई तो मैंने फिर जब चेक करके निकली तो मुझे पता चला NCD के ट्रक आते हुए। मैंने एकदम तुरंत रोका और मैंने कहा कहाँ जा रहे हो। तो मुझे लोगों ने उन्होंने जो बताया, मैंने कहा सच बताना। उन्होंने बताया हम रात को भी डालते हैं, मोटा पे भी डालते हैं, अलग अलग लैंडफिल पे भी डालते हैं, पाइपलाइन पे भी डालते हैं। उसके बाद मैंने तीनों ट्रकों को खड़ा करा, उनकी चाबी ली, मैं गई भगी पुलिस लाइन पे। 6 टिकट पुलिस लाइन ने पाइपलाइन पाइपलाइन पे 6 ट्रक पकड़े गए जो कूड़ा डाल के लौट रहे थे। वो कभी मोटा पर डालते हैं, कभी पाइपलाइन पर डालते हैं। सारा गाजीपुर जो समाप्त हुआ है, हो रहा है, धीरे धीरे आप जाओगे, वो सारा गाजियाबाद में आया है। इसका मुझ पे पूरा प्रमाण है और मैं केजरीवाल